वेब सीरीज की शूटिंग अभी जारी है और आज यूमी और टीवी सीरीज के ऑन लोकेशन शूट पर पहुंच गया है। तो ये शूटिंग कहाँ चल रही है ये हम आपको देवेंदु और शीतल के मुंह से ही सुनवा देते हैं। शीतल कहाँ हम मिले, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। हम बैंड्रा में हैं, बैंड स्टैंड माउंट मेरी स्टेप्स के पास, और यहाँ पे हॉस्पिटल का सेटअप है जैसा आप देख रहे हैं। शूटिंग चल रही है शुक्रानु की, इंदर और आकृति से आप मिल रहे हैं, हम दोनों कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के, और काफी कैरेक्टर में भी हैं अभी। काफी कैरेक्टर में भी हैं, 70s आप देख सकते हैं सर क्या लुक रहेगा फिल्म में। वैसे देवेंदु और शीतल पहले ये बताइए कि आखिर शुक्रानु है क्या? शुक्रानु कहानी है, 1970s में बेस्ड है। इमरजेंसी के दौरान कुछ फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुई थी कुछ लोगों की, उसके बारे में है। सो इट सर्व्स लाइक अ बैकड्रॉप ऑफ आर फिल्म। कहानी जो है एक बड़े ही कोर लेवल पे अगर देखा जाए तो एक इंसान है इंदर जिसके साथ ये हादसा हुआ है, और उसकी ज़िंदगी इस हादसे से पहले कैसी है, इस हादसे के बाद क्या क्या होता है, उसके बारे में है। सो मामला काफ़ी गंभीर है लेकिन काफ़ी लाइट तरीके से उसको डील किया हुआ है, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है इसके बारे में। ओह, तो ये बात है, एक बार फिर किसी पुराने और सोशल मुद्दे को उठाने की तैयारी चल रही है। अब जब आप दोनों ने बता ही दिया है कि ये एक काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, तो ये भी बता दीजिए कि इस सेंसिटिव मुद्दे को कॉमेडी में पोर्ट्रे करना कितना डिफिकल्ट रहा है। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू गेट कॉमिक व्हेन देयर इज अ ट्रेजिक सिचुएशन, सो इट्स नॉट, वी आर नॉट इन अ कॉमिक सिचुएशन, बट इट इज कॉमेडी फॉर पीपल हु आर वॉचिंग इट फ्रॉम द आउटर परस्पेक्टिव। सो दैट इज़ वाई इवन व्हेन आई वॉज रीडिंग द स्क्रिप्ट, मुझे इंदर जो चीज़ों से गुजर रहा है वो उसके लिए आपको बुरा लगता है, लेकिन जिस सिचुएशन में वो फंस जाता है दैट इज़ कॉमिक। सो आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू द सैड साइड ऑफ द स्टोरी विच वॉज अ बिग थिंग बैक इन द डे, बट एट द सेम टाइम लाइक यू सेड हैंडल सेंसिटिवली, कि उस कैरेक्टर के लिए वो मजाक नहीं है। बाहर से आपको देख के चीज़ों पर कभी कभी चीज़ें इतनी रिडिक्यूलस होती हैं कि आपको हंसी आती है, और जो आपके साथ ज़िंदगी में चल रहा है उसमें हंसता है आदमी इतना परेशान होने के बाद, तो ये उस एरिया की कहीं ना कहीं उस एरिया में डील कर रहे हैं। खैर देवेंदु, आपने बहुत से फिल्मों में काफ़ी दमदार रोल किए हैं, लेकिन डिजिटल की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? वी मीन आपको स्क्रिप्ट में क्या पसंद आया, और सीरीज में क्या कुछ और खास देखने को मिलेगा? जी बात वही थी कि जो सुना था हमने कि एक बारी ऐसा हुआ था 1970s में, एक इमरजेंसी लगी थी और जिसके बारे में कभी बात नहीं हुई हमारे देश में बहुत ज़्यादा, जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं थी, फोर्स स्टेरिलाइजेशन जो है वो एक बहुत पर्सनली लोगों को इम्पैक्ट किया, और जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि वी नो फ्यू पीपल जिनके साथ ये हुआ है। और ये ना, ये ट्रेजिडी क्या होता है कि जब आपके साथ होता है ना, तो ये आपके अंदर तक आपको झिझोड़ के रख देता है कि ये आपका जो एक पर्सनल जो फंडामेंटल राइट है ना ऑफ हाउ टू लिव, उसको अगर बाहर से आके गवर्नमेंट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑल्टर करने की कोशिश करती है, सो समथिंग हैपन्स इन यू एंड दैट अफेक्ट्स योर जनरेशन, एंड इन दिस केस आई मीन जनरेशन इन अ वेरी डिफरेंट वे। खैर स्क्रिप्ट की बातें तो हो गई, अब थोड़ी मस्ती भरी बातें भी कर लेते हैं। तो आप दोनों बताइए कि उस एक मोमेंट के बारे में जहां आप कोई सीरियस सीन शूट कर रहे हो लेकिन उसे करते समय आप अपनी हंसी नहीं रोक पाए हो। हाल ही में दिल्ली में हम लोग शूट कर रहे थे एक दिन के लिए, वहां पे गए थे और मतलब कड़ाके की सर्दी थी वहां पे। हम लोग जहां शूट कर रहे थे वहां पे पास में एक वाटर बॉडी भी थी, तो मेरी आवाज़ में जो एक ये सेक्सी टोन आपको लग रहा है ये सेक्सी टोन नहीं है, इट्स बिकॉज माय वोकल कॉर्ड्स आर गॉन, तो ये उस वजह से है और ये उस ठंड की वजह से है। लेकिन मज़े की बात ये थी, वो जो सीन हम शूट कर रहे हैं उसमें इज़ गॉन बी वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ आर फिल्म। सो यू नो कैसे ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं एक जगह पे हैं, एक कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों को पता है ये कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों को नहीं पता है ये कन्फ्यूजन है, सो आई रियली एंजॉय। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन व्हाइल शूटिंग दैट आल्सो। देवेंदु, एक खूबसूरत लड़की आपके साइड में बैठी हुई है और वही सीरीज में एक और लड़की यानी कि श्वेता भी है, तो दो खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ शूट करना आपके लिए कितना मजेदार रहा देवेंदु? लाइक यू सेड खूबसूरत, एवरीथिंग वाज खूबसूरत, बट या गुड फन, गुड फन। आई मीन शीतल और श्वेता दोनों के साथ शूट करने में आई मीन सच अ प्लेजर, दे बोथ आर वेरी इजी गोइंग पीपल, आई एम सच अ गुड एक्टर, सो बट बहुत मजा आया। आई थिंक हम तीनों के बीच में वी हैव अ वेरी कंफर्टेबल वाइब गोइंग, और कोई भी मुझे एक दिन ऐसा याद नहीं है जिसमें एक दूसरे से कभी इरिटेट हुए हो या लड़े हो, रादर हमने काफ़ी एक्सट्रीम सिचुएशंस में ठंड में गर्मी के कपड़े पहन के ही करा है, और जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो आप और यू नो क्लोज आते हैं कि यार साथ मिल के करना है ये सब कुछ।
लास्ट में जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे? आई होप हर प्रोजेक्ट में आपको मज़ा आए। शुक्रानु में बड़ी मेहनत से काम किया है, सब लोग ही करते हैं, लेकिन स्टोरी जो है काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने में। सो प्लीज़ डू गिव इट अ चांस। और ट्रेलर आएगा, ट्रेलर ज़रूर देखिए, उसको देख के अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ देखिए। डिजिटल फिल्म है, बाहर जाके टिकट विकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठ के फैमिली के साथ देखिए प्लीज़। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी फिल्म देखिए, Zee5 पे जब भी आएगी, अभी हमें रिलीज़ डेट तो पता नहीं है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक ये फ़ायदा होता है कि ऐसा नहीं है कि फ्राइडे को फिल्म लगी और सैटरडे संडे को नहीं चली तो मंडे को उतर जाएगी। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म, सो जब भी आपको टाइम लगे प्लीज़ देखिए शुक्रानु ऑन Zee5।